A very warm good evening to everyone. This is Shruti Anand, and I'm very delighted as I'm present with Mr. Uday, who is another award-winning person. Hello, Mr. Uday, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत अच्छे। तो उदय, आपको ये एक्सेलेंस अवार्ड मिला है एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे आपसे ये जानना है, यूजुअली ये अवार्ड फिजिकली मिलता है जब इवेंट परफॉर्म होता है, बट इस टाइम आपको ये अवार्ड वर्चुअली मिला है, तो आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है इन दोनों सिचुएशंस को लेके? डिफरेंस तो थोड़ा सा ये ठीक है, नॉर्मल है, कोई खास डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा काम के सिलसिले में। बाकी वैसे देखेंगे यदि वर्चुअल, यदि नेटवर्क में जहाँ पे यदि प्लेस में होता है तो वहाँ कई सारे नेटवर्किंग करने के लिए, लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो यहाँ पे उतना ज्यादा पीपल का गैदरिंग है नहीं और उतने ज्यादा पीपल्स जो है अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है सो जो नेटवर्क बनाने के लिए जो है सो थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम है। बाकी वैसे हर तरीके से ठीक है, और हम लोग तो चूंकि डिजिटल में है तो डिजिटली काफी ज्यादा जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा ठीक है। ओके, बहुत वेरी वेल सेड। सो और आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से आपको यह अवार्ड मिला? मैडम, हम लोग डिजिटली जो है सो डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट ये सब डेवलप करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, और जिस हिसाब से मैडम का ये चूंकि था, चूंकि कोरोना वायरस की वजह से ये ऑफलाइन से वर्चुअल पर शिफ्ट हो गया, और इनको जो है सो विद इन वीक सब कुछ प्लेटफॉर्म पे चाहिए था अवेलेबल, ताकि लोग इसको वोट भी कर सके, प्रमोट भी कर सके, और जो अवेलेबल मैटर्स था उसको इतने कम टाइम में इतने इजी तरीके से करने के लिए जो है सो काफी टाइम देना पड़ता है। तो हम लोगों ने वो सब लगा के मैडम को जो है सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ इजीली अवेलेबल कराया, और ऐसे हमने कई सारे कस्टमर्स को कराते हैं। तो अब लोगों को लगा कि जो मिलना चाहिए तो उन्होंने वोट किया। आप अपने काम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिजिटल बिजनेस मीडिया, और बेसिकली हम लोग जो है सो वेबसाइट सब जो है सो क्रिएट करते हैं और मैगजीन पब्लिश करते हैं। तो डिजिटल बिजनेस मीडिया दो मैगजीन पब्लिश करती है, एक डिप्लोमा टुडे जो इंटरनेट बिजनेस रजिस्टर के ऊपर में डिपेंड है, और दूसरा जो है सो एग्रो फूड बिजनेस जो है सो फूड जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है सो इनसे रिलेटेड लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, और बाकी जो है सो वेबसाइट सब पे काम करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर सर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। तो पीपल ध्यानन वर्चुअली present with us today with our excellence award from NJA. Thank you so much. Stay tuned.